वेलकम लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम वीडियो फ्रेम्स टू लेयर्स वाला ऑप्शन देख रहे हैं और ये ऑप्शन बहुत ही पावरफुल है क्योंकि एकमात्र फोटोशॉप में ये एक ऐसा ही ऑप्शन है जिससे आप किसी भी वीडियो को फ्रेम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेयर्स में डाल सकते हैं। और फिर चाहे आप कोई स्टेप गाइड क्रिएट करना चाहते हो, जैसे योगा वीडियोज़ हो गई या एक्सरसाइज वीडियो हो गई, साथ में आप गिफ्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, फ़नी क्लिप्स क्रिएट कर सकते हैं, किसी वीडियो में से कोई स्पेसिफिक इमेज आपको सेव करवानी है वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और एक बोनस टिप आप लोगों के लिए जहां हम वीडियो को रिवर्स में डालना सीखेंगे। तो ये सारे ऑप्शन आज हम सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हमारे पूरे दिन में कुछ ही ऐसे लम्हे होते हैं जिसमें हम कुछ सीख पाते हैं। ज़्यादा ज्ञान हो गया हो तो माफ़ करना, आगे बढ़ते हैं। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आप फाइल पर जाएँ, इम्पोर्ट, और सेकेंड ऑप्शन है हमारा वीडियो फ्रेम्स टू लेयर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप अपनी वीडियो ओपन कर सकते हैं। और अगर आप पे वीडियो नहीं है अभी के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाउनलोड लिंक दे रखा है इस वीडियो का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो बड़ी छोटी सी क्लिप है जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची एक फ्लिप कर रही है, फ्रंट फ्लिप है या पता नहीं हैंड स्प्रिंग है, आप मुझे बताना कमेंट्स में कि ये कौन सी फ्लिप कर रही है। अब लगभग 8 सेकंड की एक क्लिप है और FPS इसका अभी हमें नहीं पता, तो वो भी आपको पता होना चाहिए वीडियो का। FPS बोले तो फ्रेम पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितनी इमेजेस हैं इस वीडियो के अंदर। और वो सब पता करने के लिए आप पहले इसे क्लोज़ कर दें और राइट क्लिक करके वीडियो पे प्रॉपर्टी ओपन करें। यहाँ इसका टाइप पता लग गया, MP4 है। डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लेंथ भी पता लग जाएगा और FPS भी हमें दिख रहा है 29.30 लगा लें। तो इस चीज़ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने फ्रेम्स या कितनी लेयर्स रहेंगी हमारी PSD के अंदर। उसके लिए कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो आपको ड्यूरेशन को जो लेंथ है 8 इंटू करना होगा नंबर ऑफ़ FPS से, तो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स आ जाएंगे जितने भी फ्रेम्स होंगे आपकी वीडियो में। तो 240 से थोड़ी ज़्यादा ही हो सकती है लेयर्स। अब आप सोचेंगे यार ये सब जान के हम करेंगे क्या। इसको जानने के दो बेनिफिट सबसे बड़े हैं कि आपको पता लग जाएगा कि कितना समय आपको लगेगा। अगर नंबर ऑफ़ फ्रेम ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा उस काम को करने में, और अगर नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कम है तो कम लगेगा। और दूसरी बात, आपके लिए प्राइसिंग निकालना बहुत आसान हो जाएगा कि मैं चार्ज कितना करूं अगर मुझे किसी वीडियो से गिफ्ट क्रिएट करनी है, बिकॉज यू नो एग्जैक्टली कितने फ्रेम्स पे आपको काम करना है। तो नीचे ऑल फॉर्मेट्स में ये इन सभी फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, तो हम इसे सिंपली ओपन कर लेते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन मिलता है हमें रेंज टू इम्पोर्ट का, जिसमें बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, मतलब शुरू से अंत तक। और राइट साइड में हमें प्रीव्यू है, यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं और पॉज करके राइट लेफ़्ट भी देख सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल वीडियो प्लेयर होता है उसी तरीके से है। और अगर मेक फ्रेम एनिमेशन पे टिक है तो उसे अनटिक कर लें, इस ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे। हिट ओके और फ्रेम्स देखते हैं कि जो हमने एस्टिमेट निकाला था 240 का उसी के अकॉर्डिंग लेयर्स हैं या नहीं। और एक और बात, जब आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती है तो फोटोशॉप पर लोड भी ज़्यादा पड़ता है। वैसे 8 सेकंड ज़्यादा नहीं है लेकिन फोटोशॉप के लिए भारी पड़ जाता है, या सच बोलूँ तो मेरे लैपटॉप पर भारी पड़ जाता है। अब ये ओपन हो गई है, लेयर्स स्क्रॉल करके टॉप पर चले जाओ और देखो क्या है, 248, मतलब उसी के आसपास ही है क्योंकि मिली सेकेंड तो प्रॉपर्टीज़ में दिखती नहीं है, 8 सेकेंड ही दिख रहा था। और स्टेप बाय स्टेप लेयर्स को हाइड करने से आप मूवमेंट देख सकते हैं वीडियो की, और ज़्यादा मूवमेंट इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो वीडियो का एंड पार्ट था वहाँ पे मोशन नहीं है, वो थोड़ी स्टिल है, तो उस पार्ट को हम ट्रिम कर सकते थे। अभी के लिए इसे क्लोज कर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है। वापस से जाएँ, फाइल, इम्पोर्ट, वीडियो फ्रेम्स टू लेयर्स, वीडियो पे डबल क्लिक करके ओपन कर लें। इस बार हम सिलेक्टेड रेंज ओनली वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। इससे आप वीडियो का खाली वो पार्ट रख सकते हैं जो आपको चाहिए और जो बाकी पार्ट है वो ट्रिम हो जाएगा, वो नहीं नज़र आएगा आपको। जैसे हम स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट आगे कर देते हैं, ये पार्ट नहीं चाहिए, और वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिलेक्ट हो गया है रेंज वाला ऑप्शन। और राइट साइड से जो स्टिलनेस वाला पार्ट है जो नहीं चाहिए वो भी हम हटा देते हैं स्लाइड करके। तो यहाँ जो रेंज सेलेक्ट करिए खाली वो नज़र आएगी, तो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कम हो जाएंगे। और अगर आप FPS की वैल्यू को भी कम करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, जैसे 30 अभी है और उसे 15 बनाना है, उसके लिए लेफ़्ट साइड में आप लिमिट टू एवरी पे टिक करके यहाँ 2 सेट कर दें। इससे आपकी वीडियो के एक सेकंड के अंदर आपको 30 फ्रेम ना दिख के सिर्फ 15 फ्रेम्स दिखेंगे क्योंकि हर सेकंड फ्रेम को ये गायब कर देगा। तो ओके दबा के देखते हैं कि कितने फ्रेम्स बने हैं हमारे। देखिए अब खाली 72 लेयर्स बनी है हमारी। और अब लेयर्स हाइड करने से मोशन हमें ज़्यादा दिख रहा है वीडियो में क्योंकि इन सब के बीच का एक एक फ्रेम गायब है। तो अब हम एक स्टेप गाइड क्रिएट करते हैं इन्हीं सब फ्रेम से। स्टेप गाइड क्या होते हैं कि आप किसी भी टाइप की एक्सरसाइज को अगर स्टेप्स में डालते हो या फिर किसी टाइप का ट्यूटोरियल क्रिएट करते हो ताकि वो एक्सरसाइज कोई और बंदा कर ले, तो वो एक टाइप की स्टेप गाइड हो जाती है। तो सबसे टॉप लेयर हमने सेलेक्ट कर रखी है और मार्की टूल से ये वाला पोज हम एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसका कंट्रोल जे से इसको डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं और मूव टूल लेकर इसे स्लाइड कर देते हैं लेफ्ट में। इस लेयर पर डबल क्लिक करके रीनेम कर देते हैं एज स्टेप 1,
अभी के लिए हाइड कर दें। तो इसी टेक्निक को यूज़ करके आप एक स्टेप गाइड क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो ये एनिमेशन फ्रंट फ्लिप का या फ्रंट हैंड स्प्रिंग का था, बट ये अब हमने रिवर्स में बना दिया, कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से किसी भी वीडियो से आप स्टेप गाइड क्रिएट कर सकते हैं, चाहे किसी क्लाइंट की बात करें, आप खुद की वीडियो की कोई स्टेप गाइड क्रिएट करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं गिफ्ट क्रिएट करने का, कि वीडियो से आप किस तरीके से गिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वापस से फाइल पर जाएँ, इम्पोर्ट वीडियो फ्रेम्स टू लेयर्स, वीडियो ओपन करें। तो ऑलमोस्ट वैसा ही करना जैसे अभी करा था हमने, रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और लिमिट टू एवरी पे टिक करें और 2 की जगह हम 5 रखेंगे, क्योंकि हम गिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स बहुत कम हो जाते हैं, अदरवाइज जो गिफ्ट की जो साइज़ होगा ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत हैवी होगा। और इस बार हम मेक फ्रेम्स एनिमेशन पे भी टिक करेंगे, जिससे हमें लेयर्स तो मिलेंगे ही, साथ में फ्रेम्स भी मिल जाएंगे। और रेंज थोड़ी सी और स्लाइड कर देते हैं राइट की तरफ एंड जस्ट हिट ओके। अब बहुत जल्दी लोड हो गई है फाइल, क्योंकि फ्रेम्स बहुत कम हो गए हैं। और एक डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि जो लेयर्स हैं वो ज़्यादातर हाइड हैं, ऑलमोस्ट सारी हाइड हैं सिर्फ एक को छोड़कर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने फ्रेम एनिमेशन वाले ऑप्शन पर टिक करा था, लेकिन ये फ्रेम एनिमेशन है कहाँ पर? इसको देखने के लिए आप विंडो पर जाएँ और टाइम लाइन सेलेक्ट करें। अब बॉटम में हमें ये सारे फ्रेम्स मिल गए हैं जो कि टाइम लाइन के अंदर हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ़ लेयर्स हैं यहाँ पर, ये भी 30 है और ये भी 30 है। और जब आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो इन फ्रेम्स का एनिमेशन ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। इसे रोकने के लिए स्टॉप पे क्लिक करें। अब हम गिफ फाइल सेव करते हैं इसकी। फाइल पे जाएं, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब लेगेसी। यहाँ टॉप पे आपको सेट रखना है गिफ, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन हमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो वो करेंगे हम साइज़। तो इमेज साइज़ हम 500 सेट कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हाइट भी रिड्यूस हो जाएगी। और यहाँ अलग अलग टाइप के मोड्स हैं देखने के लिए, वापस से उस पर आते हैं और यहाँ पे आप प्ले भी कर सकते हैं इसको। और लेफ्ट बॉटम में आपको साइज़ भी दिख रहा है, कितना साइज़ रहेगा फाइल का। और यहाँ दो ऑप्शन हैं, वंस एक बार चलाना है या फिर फॉरएवर हमेशा लूप में चलता रहे। हम फॉरएवर रखते हैं इसको और ओरिजिनल व्यू सही लग रहा है। हिट ऑन सेव, डेस्कटॉप पे एनिमेशन के नाम से सेव कर देते हैं इसे। डेस्कटॉप पे फाइल आ गई है, ओपन करके देखते हैं और ये गिफ्ट क्रिएट हो गई है जो लूप में चल रही है। अब बात आई बोनस टिप की, जो मैंने स्टार्टिंग में कमिट करा था, इस एनिमेशन को रिवर्स कैसे करें। तो ये फ्रंट फ्लिप बैक फ्लिप बन जाएगी रिवर्स करके। तो स्क्रॉल करके आप लास्ट फ्रेम सेलेक्ट करें, फिर स्क्रॉल बैक करके शिफ्ट के साथ फर्स्ट फ्रेम सेलेक्ट करें, इससे सारे फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ ऑप्शन पर जाके क्लिक ऑन रिवर्स फ्रेम, बस सिंपल। और चेक करने के लिए प्ले करके देखें, अब फ्लिप बैक की तरफ हो गई है। और इसे उसी तरीके से सेव कर लें, साइज चेंज कर देते हैं, सेव, और पहले वाली फाइल से रिप्लेस कर देते हैं। और डेस्कटॉप पे जो गिफ है वो रिवर्स में हो गई है। और इमेज सेव करना तो आपको आ ही गया होगा, क्योंकि सेम ऑप्शन है, कोई भी फ्रेम रखिए और वहाँ गिफ्ट की जगह जेपैक सेट करेंगे तो वहाँ सेव हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि इनपुट के बिना आउटपुट नहीं आता। और फाइल मेन्यू का ये 6th पार्ट था। हम फाइल मेन्यू के बहुत सारे ऑप्शन अब तक देख चुके हैं, अगर आपने उनको चेकआउट नहीं करा तो उन्हें ज़रूर देखें। उन सारे पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आप सुन रहे थे शुभम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्राफिक एरिना। बाय।